देश में आज से लागू नया क्रिमिनल लॉ, इंडियन पिनल कोड की बजाय आज से देश में भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मामलों में दर्ज होगी FIR। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा, देश की जनता को न्याय दिलाना हमारा उद्देश्य है। तकनीकी और फॉरेंसिक साइंस में विकास को देखते हुए नए कानून की थी जरूरत। नए क्रिमिनल लॉ के तहत जीरो FIR की हुई शुरुआत। इलेक्ट्रिक माध्यमों से वारदात को किया जा सकता है रिपोर्ट। दुष्कर्म के मामले में पीड़ित की मौत या अपंगता की स्थिति में मृत्यु दंड का होगा प्रावधान। महिला मजिस्ट्रेट की दर्ज होगी पीड़िता का बयान। महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी। अपराध की शिकार महिला और बच्चों को सभी अस्पतालों में मिलेगी मुफ्त इलाज। बुजुर्ग, दिव्यांग, गंभीर बीमारी से ग्रस्त और 15 साल के कम आयु के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। थाने में पेशी से है छूट। नए क्रिमिनल लॉ के तहत भोपाल के निषादपुरा थाने में पहला केस दर्ज। मारपीट और गाली गलौज का केस रात 12:20 पर हुआ दर्ज। मनीष नाम के शख्स के खिलाफ पहला केस हुआ दर्ज। शिकायतकर्ता भैरव साहू ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 और 296 के तहत मारपीट और गाली गलौज की FIR करवाई। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार। नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष अड़ा। विपक्ष का नीट पेपर लीक पर सरकार को घेरने का इरादा। सरकार की कोशिश हर हाल में। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो। इंडिया गठबंधन के सांसद आज संसद परिसर में करेंगे प्रदर्शन। ईडी CBI के दुरुपयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आरोप, CBI ने केंद्र और PM के निर्देश पर केजरीवाल को अरेस्ट किया। संजय सिंह का PM मोदी पर देश को तानाशाही से चलाने का आरोप, कहा हम सड़क और संसद में उठाएंगे आवाज। नीट पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पेपर रद्द करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की याचिका। नीट पेपर लीक मामले में CBI ने पटना के बेउर जेल में 13 आरोपियों से की पूछताछ। CBI देश के 6 राज्यों की कर रही है जांच। पेपर लीक पर हमारी सरकार खामोश नहीं बैठी है, कार्रवाई हो रही है। BJP सांसद रविशंकर प्रसाद की दो टूक। कांग्रेस सिर्फ बात करती है और हम काम करते हैं। उसने इमरजेंसी के लिए अभी तक माफी नहीं मांगी है, रविशंकर प्रसाद का बयान। विपक्षी दलों को संसद में हंगामा करने की बजाय चर्चा होने देना चाहिए, BJP सांसद अनुराग ठाकुर का बयान। UP के CM योगी आदित्यनाथ ने नेताओं पर जातिवाद के नाम पर बांटने की राजनीति का आरोप लगाया, कहा यह देश की अखंडता और एकता के लिए घातक। अलवर के लाडपुर में बाबा सोमनाथ मंदिर में कार्यक्रम के दौरान CM योगी ने सनातन धर्म को बताया भारत की आत्मा, कहा सनातन धर्म और भारत एक दूसरे में पूरक है। UP के CM योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम, आस्था का होना चाहिए सम्मान। CM योगी का प्रदेश में किसी नई परंपरा की अनुमति देने से इनकार। जुलूस में किसी भी हथियार के प्रदर्शन की नहीं होगी इजाजत। CM योगी का निर्देश, कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। ताजिया वही रखा जाएगा जहां किसी तरह का विवाद ना हो। CM योगी ने नृत्य संगीत को बताया कांवड़ यात्रा का पारंपरिक हिस्सा, कहा तय सीमा से तेज ना बजाए DJ। अधिकारियों के साथ बैठक में CM योगी ने कहा PM मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ेगा उत्तर प्रदेश। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने PM को लिखा खत, मुहर्रम जुलूस में कानून व्यवस्था मजबूत कराने की मांग। शिया पर्सनल बोर्ड ने ताजिया के रास्ते में आने वाले बिजली के तार दुरुस्त करने की भी मांग की। 8 जुलाई से शुरू हो जा रहा है मुहर्रम। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की महायुति की सरकार के 2 साल पूरे। CM शिंदे ने अपने 2 साल के कार्यकाल के काम के लेकर खुशी जताई। CM शिंदे ने महाविकास अघाड़ी पर हमला बोला, कहा जो प्रोजेक्ट महाविकास अघाड़ी की सरकार में बंद हो गए थे, हमने उन सभी काम को शुरू किया। CM शिंदे का महाविकास अघाड़ी पर तंज, कहा ये कह रहे थे कि 1 से 2 महीने में सरकार गिर जाएगी, ये जनता की सरकार है, फेसबुक लाइव और घरों में बैठने वाली सरकार नहीं। MP विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरू, अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने किया निरीक्षण। नरेंद्र सिंह तोमर बोले 19 जुलाई तक मानसून सत्र जनहित के मुद्दों पर होगी चर्चा। CM नीतीश के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा NDA, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। चिराग पासवान ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा चुनाव में बहुत वादे किए लेकिन फिर भी विपक्ष हारा। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा का बयान, लालू यादव ने इमरजेंसी के खिलाफ राजनीति की और अब कांग्रेस के साथ। लालू यादव का इंदिरा प्रेम सिर्फ दिखावा है, इमरजेंसी में उन्होंने बहुत अत्याचार किया, JDU नेता KC त्यागी का बयान। झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन का BJP पर निशाना, कहा मनुवादियों सामंतवादियों को उखाड़ फेंकने का प्रण लिया गया। झारखंड को साल तक लूटने वालों की वजह से हेमंत सोरेन जेल गए, CM चंपाई सोरेन का बयान।
हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए मिलकर करेंगे काम, सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। कांग्रेस के झूठ को एक्सपोज करेंगे, उसने जनता को भ्रमित किया है, सीएम सैनी ने साधा निशाना। हरियाणा की जनता बीजेपी सरकार से दुखी है, इस बार सूबे में कांग्रेस की सरकार बनेगी, दीपेंद्र हुड्डा का बयान। दीपेंद्र हुड्डा बोले, हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ गई है, प्रदेश विकास के पटरी से उतर गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जेडीयू पर साधा निशाना, कहा आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने पर कुछ नहीं बोलती जेडीयू। सीएम नीतीश से जयराम रमेश का सवाल, क्या बिहार के स्पेशल स्टेट्स के लिए सीएम नीतीश बनाएंगे दबाव? जयराम रमेश को चिराग ने दिया जवाब, कहा स्पेशल स्टेटस की मांग प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। बीजेपी आरक्षण के खिलाफ काम कर रही है, सपा चीफ अखिलेश यादव का आरोप। यूपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के मिर्जापुर वाले घर पर पुलिस ने चिपकाया नोटिस, 30 दिन में पेश नहीं होने पर संपत्ति होगी कुर्क। दुष्कर्म मारपीट के मामले में आरोपी हाजी इकबाल लंबे समय से फरार, एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट। अगरतला में 11 बांग्लादेशी नागरिक अरेस्ट, बिना किसी कागजात के देश में घुसने की कर रहे थे कोशिश। मथुरा में बीएससी कॉलेज के पास एक कॉलोनी में पानी की टंकी गिरी, मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत, करीब 13 लोग जख्मी। गंगा जल परियोजना के तहत एक साल पहले बनाई गई थी 2.5 लाख लीटर की क्षमता वाली टंकी, देर रात तक चला मलबे को हटाने का रेस्क्यू काम। नोएडा एक्सटेंशन के बिसरख में मोबाइल टावर पर चढ़ा एक सिरफरा युवक, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम युवक को उतारने में जुटी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार में दर्दनाक हादसा, एक 2 मंजिला इमारत का छत जा गिरने की वजह से 7 साल के एक बच्चे की मौत। पुणे के पास लोनावला में दर्दनाक हादसा, पानी की तेज धार में बहा 5 लोगों का परिवार, एक महिला और 2 बच्चियों का शव हुआ बरामद। डैम के पास नदी से 3 के शव निकाले गए, परिवार के 2 बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे का दर्दनाक वीडियो आया सामने, पानी की तेज धार में फंसा परिवार, कोई रस्सी फेंक बचाने की कोशिश कर रहा है तो कोई एक साथ बंधे रहने की दे रहा सलाह। अहमदाबाद में भारी बारिश बनी मुसीबत, श्वेला इलाके में बीच सड़क पर बना बड़ा गड्ढा, हादसे में किसी को नहीं आई चोट। गांधीनगर में भारी बारिश के बीच धसी सड़क, गड्ढे में आधी समा गई कार, कई इलाकों में जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक हुई समस्या। जम्मू के किश्तवाड़ में बारिश के बीच लैंडस्लाइड, भरभराकर गिरा पहाड़ का मलबा, लैंडस्लाइड से किश्तवाड़ पाटर रोड पर ट्रैफिक बाधित। लैंडस्लाइड की वजह से दोनों तरफ फंसी कई गाड़ियां, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। झारखंड के गिरनी में निर्माणाधीन पुल गिरने की वजह से मामला सामने आया, भारी बारिश की वजह से अर्घा नदी पर बन रहे पुल का एक गड़ा गिरा और एक पिलर झुक गया। बिहार में पुल के लगातार गिरने की खबरों के बीच किशनगंज में धसा पुल का पिलर, बुंद नदी पर बना 14 साल पुराने पुल का पिलर करीब 1 फुट नीचे धस गया। ठाकुरगंज में मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने की धसा पुल, 2007 से 2008 में बना था ये पुल, पिलर धसने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल। स्थानीय लोगों के मुताबिक 3 से 4 पंचायतों को जोड़ता है ये पुल, पिलर के धसने से 50 से 60 हजार की आबादी होगी प्रभावित, लोगों के व्यापार पर पड़ेगा बड़ा असर। बिहार के जहानाबाद में सदर अस्पताल के वार्ड में घुसा पानी, नवजात बच्चों के SNCU वार्ड में 2 फुट तक पानी भरा। SNCU वार्ड में पानी भरने से 7 नवजात बच्चों की जान आफत में पड़ी, अस्पताल के स्टाफ ने बड़ी मुश्किल से बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। हरिद्वार में गंगा नदी से क्रेन से निकाली जा रही कार, बारिश के बाद गंगा नदी में बह गई थी कई कार, SDRF की टीम मौके पर मौजूद। मणिपुर के इम्फाल में बेली ब्रिज ढहने की वजह से एक ट्रक नदी में गिरा, एक शख्स की हादसे में 3 लोगों को बचाया गया। लद्दाख की श्योक नदी में शुक्रवार को हुए हादसे की तस्वीर आई सामने, नदी का जलस्तर बढ़ने से सेना के 5 जवानों की हुई मौत। लद्दाख के न्यूमा चुशुल इलाके में LSC के पास शुक्रवार की रात करीब 1 बजे हुआ था हादसा, एक्सरसाइज से लौट रहे एक जूनियर कमीशनड ऑफिसर सहित 5 जवान नदी में बहे। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, निचले इलाकों में रहने वालों के लिए खतरा, जारी किया गया अलर्ट। असम के कोकराझार में पानी के बहाव में फंसा हाथी का बच्चा, कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने किया रेस्क्यू। IAS मनोज कुमार सिंह बने यूपी के नए मुख्य सचिव, दुर्गा शंकर मिश्रा के लिए जगह। महाराष्ट्र की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी सुजाता सोनिक, 1 वर्ष का होगा कार्यकाल। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने चंद्रवाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया, कहा पानी की समस्या जल्द होगी खत्म। पेड़ की अवैध कटाई मामले में एक्शन में दिल्ली सरकार, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने DDA फॉरेस्ट विभाग और दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। राजस्थान में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत, सीएम भजन लाल ने
65 लाख किसानों के खाते में 650 करोड़ रुपए की है ट्रांसफर। केरल के वित्त मंत्री ने केंद्र को दिया सुझाव, विकास के लिए राज्य स्तरीय वित्तीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। महाराष्ट्र के रायगढ़ पहुंचे अनंत अंबानी, शादी से पहले कृष्णा मंदिर में पूजा की, शादी का दिया निमंत्रण। ब्रिटेन में चुनाव से पहले दक्षिण लंदन के स्वामी नारायण मंदिर में पहुंचे पीएम ऋषि सुनक, पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ की पूजा अर्चना। ब्रिटेन के चुनाव में हिंदू वोट को साधने की कोशिश, विपक्ष के नेता कीर स्टारमर ने भी लंदन के एक मंदिर में जाकर की पूजा। पीएम सुनक और स्टामर के बीच चुनाव से पहले जोरदार डिबेट। पीएम सुनक ने कहा, जनता को बेवकूफ मत समझो, ये बताओ तालिबान से डील कर पाओगे। ब्रिटेन में अवैध प्रवास के मुद्दे पर विपक्ष के नेता स्टामर ने कहा था वो ईरान, सीरिया और अफगानिस्तान के प्रवासियों को उनके देश वापस भेज देंगे। फ्रांस में हुए लोकसभा के पहले चरण के मतदान, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के चुनाव में मतदान किया। गाजा के जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर इजरायली सेना के एयर स्ट्राइक, कम से कम 18 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने उत्तरी वेस्ट बैंक पर किया जोरदार हमला, एक फिलिस्तीनी की मौत जबकि 5 लोग हुए जख्मी। इजरायली कैबिनेट की बैठक में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई में हमास को बताया रोड़ा, कहा हमास को खत्म करने का जारी रहेगी जंग। यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में रूस का मिसाइल अटैक, 3 बच्चों सहित 7 नागरिकों की मौत। पश्चिमी टर्की के इज़मिर शहर में एक गैस टैंक में जोरदार धमाका, 5 लोगों की मौत जबकि 63 लोग हुए घायल। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल के ड्रेस और किट लॉन्च, कार्यक्रम में खेल मंत्री मनसुख मांडविया, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और आईओए के अध्यक्ष पीटी उषा रही मौजूद। खिलाड़ियों की रवानगी से पहले विदाई समारोह में खेल मंत्री मनसुख मांडविया बोले, भारत की पदक तालिका में होगा सुधार। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा, हम चाहते हैं कि खिलाड़ी बिना तनाव के प्रदर्शन करें, पेरिस में एथलीट्स को बेस्ट सुविधाएं दी जाएगी। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत 26 जुलाई को होगी। भारतीय दल में करीब 120 एथलीट शामिल हुए हैं। विमेंस रेसलर रितिका ने कहा, पूरा कॉन्फिडेंस है, देश के लिए मेडल जीतूंगी, पेरिस ओलंपिक में 76 किलोग्राम वर्ग में लेंगी हिस्सा। टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए मिलेगा इनाम, बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने किया ऐलान। पीएम मोदी ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को दी बधाई, कोच द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली से बात भी की। टीम इंडिया के वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने भी किया टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। रविंद्र जडेजा ने संन्यास लेने पर बोले, पीएम मोदी, ऑलराउंडर के रूप में आपका प्रदर्शन शानदार रहा। भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीम के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया आगे, फॉलो ऑन के लिए मजबूर हुई दक्षिण अफ्रीका की टीम।